हमीरपुर में खिलाड़ियों के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए सिंथेटिक ट्रैक और इंडोर स्टेडियम की बदहाल हालत को लेकर हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने चिंता जाहिर की है। सांसद अनुराग ठाकुर ने इंडोर स्टेडियम के औचक निरीक्षण पर पहुंचे और खिलाड़ियों से बातचीत की। अनुराग ठाकुर ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने खेलों की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया है। सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि इंडोर स्टेडियम सालों बाद भी पूरा नहीं बन पाया है और सिंथेटिक ट्रैक की भी पूरी सुविधा खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में खिलाड़ियों के लिए सुविधा के नाम पर धोखा किया है और इन कमियों के बारे में लिखित रिपोर्ट मांगी गई है ताकि सुधार किया जा सके। सांसद अनुराग ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा कि खिलाड़ियों की सुविधा से समझौता करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है कि कमियों को दूर करने में निलंबन कहां हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान खिलाड़ियों का ही हुआ है। जहां भारत एक और एशियन गेम्स में खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं हमीरपुर में जो लगभग 7.5 करोड़ रुपए की लागत से एथलेटिक ट्रैक बनाकर दिया गया, लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए का इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार होगा, आखिरकार इन सुविधाओं के बावजूद भी हमारे यहाँ के खिलाड़ी परेशान क्यों हैं? क्योंकि इंडोर स्टेडियम 2014-15 में बनना था, 2018 हो गई, जिसका उद्घाटन बिल्डिंग का मेरे पीछे किया गया। ये 2015 में उद्घाटन करके चले गए, लेकिन आज तक भी खिलाड़ियों को उसकी सुविधा नहीं मिली। जिस एथलेटिक ट्रैक पर मैं खड़ा हूं, ये बना खिलाड़ियों के लिए है, लेकिन इसका सदुपयोग खिलाड़ी उस तरह से नहीं कर पा रहे। मूलभूत सुविधाएं साफ पानी की हो या शौचालय की हो, वो भी यहां पर नहीं है। हमारा सबकर मिलकर ये प्रयास होना चाहिए, अगर करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है तो उसका खिलाड़ियों को लाभ है। और वही मैं देखने आया था कि आखिरकार इसमें विलम्ब क्यों है और इसमें और तेजी कैसे लाई जा सकती है। मुझे आज से 5-6 महीने पहले कहा गया था कि अगस्त तक ये तैयार हो जाएगा, लेकिन इस बिल्डिंग को देखकर अभी भी ये लगता है कि अगले वर्ष पहले नहीं होगा। इसलिए मैंने लिखित रिपोर्ट मांगी है कि क्या कारण रहे इसकी विलंब होने के और कैसे इसमें भविष्य के लिए सुधार किया जा सकता है। सर, जो बन रहे हैं पहले उनको पूरा कर ले और उनका सदुपयोग कर ले। नई लाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन लाने के बावजूद 2012 में धूमल जी ने ये इंडोर स्टेडियम हमें दिया, लेकिन पिछले 5 वर्षों में इस पे काम कितना हो पाया? पूरा भी नहीं हो पाया। और जो पूरा किया गया उसको खोला नहीं गया बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए। ये दुर्भाग्य है कि खिलाड़ियों को अगर सुविधा नहीं मिलेगी तो हम उनसे अच्छे खेल का प्रदर्शन कैसे अपेक्षा कर सकते हैं। देखिए, जिम्मेदार कोई भी हो, इसमें नुकसान प्रदेश का और खिलाड़ियों का हुआ है। चाहे विभाग का डिजाइन विंग हो, चाहे उसमें ठेकेदार की कमी हो, वो डिटेल रिपोर्ट में ही पता चल पाएगा कि आखिरकार इतना विलंब क्यों हुआ है। और भविष्य में ऐसा विलंब ना हो तो ऐसे केसेस के ऊपर कड़ी कार्रवाई किन के ऊपर करनी चाहिए, ये भी एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता के सामने इस बात को लाना चाहिए।